Hello students, welcome to our mathematics class. We are in the chapter mensuration, and till now we have learned different formulas to find area of different quadrilaterals like square, rectangle, parallelogram, trapezium, rhombus, and also we have learned the formulas to find area of triangles. So this all formula can be used to find the area of polygons, and in this session we will see that how these all formulas can be used to find the area of polygons. So our new chapter that we are starting today is area of a polygon. In this session we will see how to find the area of pentagon, hexagon, heptagon, these kind of figures. Our basic trick will be that we will divide the given figure, or we will split the given figures into some known figures like triangles and quadrilaterals, so that we will find the area of triangles and quadrilaterals. After that we will add to find the area of the larger figure. यहाँ पे जो बेसिक ट्रिक्स होगा क्या होगा, जो भी लार्जर फिगर आपके पास होगी या फिर जो भी आपके पास पॉलीगन होगी, उसको आपको पहले स्प्लिट अप करना है इनटू ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स पे. आप उसको ट्रायंगल्स बना सकते हैं या फिर किसी नॉन क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं. सपोज आप वहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं इस हिसाब से कि ट्रायंगल्स आ रहे हैं एंड ट्रापेजियम्स आ रहे हैं, तो ट्रायंगल्स एंड ट्रापेजियम्स की एरिया आपको आता है. सो ट्रायंगल्स एंड ट्रापेजियम की एरिया फॉर्मूला यूज करके आप एरिया कैलकुलेट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स के. आफ्टर दैट आप उसको ऐड कर देंगे तो लार्जर फिगर की भी एरिया मिल जाएगी. तो चलिए इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं एंड किस तरह से यहाँ पे वो वाला ट्रिक्स यूज होगा देखते हैं. नाउ वी हैव पेंटागन ए बी सी डी ई. ये जो पेंटागन है, इस पेंटागन का नाम क्या है, ए बी सी डी ई पेंटागन. एंड सपोज वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेंटागन. सो इस फिगर जो पेंटागन है आपके, इसी की एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे. पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, जिस पार्ट्स की एरिया आपको, एरिया फार्मूला आपको आता होगा, या फिर आप कोशिश कीजिए उसको ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स बनाने में. ठीक है, सो चलिए इसी भट्टे ए से हम डायगोनल सारे कनेक्ट करते हैं. सो कुछ ए सी डायगोनल कनेक्ट किए एंड और आफ्टर दैट ए डी डायगोनल्स कनेक्ट किए. सो अभी ये जो पेंटागन है, आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटागन है अभी डिवाइड हो चुका है तीन छोटे छोटे पार्ट्स में से, जो कि पहला पार्ट्स आपका एक ट्राइंगल है एंड पहली पार्ट्स जो ट्राइंगल है उसका नाम है ए बी सी. दूसरा पार्ट्स भी आपका एक ट्राइंगल है उसका नाम है ए सी डी. एंड द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो ट्राइंगल विच नेम इज ए डी. सो यहाँ पे अगर इन तीनों ट्राइंगल की एरिया अगर हमें पता लग गया, या फिर इस तीनों ट्राइंगल की एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं एंड उनको ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा. एंड टोटल एरिया जब मिलेगा वो हो जाएगा पेंटागन की एरिया. सो यही है उसका बेसिक ट्रिक कि आपके पास अगर कोई लार्जर फिगर होगा या फिर लार्जर पॉलीगन, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन है, तो आप उसको कोशिश कीजिए स्प्लिट अप करने के लिए एंड इस हिसाब से स्प्लिट अप कीजिए कि आपको ट्रायंगल मिल जाएगा या फिर क्वाड्रिलेटरल्स मिल जाएगा. क्वाड्रिलेटरल्स में किस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स मिल सकते हैं आपको, हो सकता है ट्रापेजियम मिल जाए, हो सकता है कहीं पर आपको स्क्वायर भी मिल जाए, हो सकता है कहीं पर आपको रेक्टेंगल भी मिल जाए. सो जो भी क्वाड्रिलेटरल्स आपको मिल रहे हैं उसके एरिया आप कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया आप पढ़ चुके हैं. एंड ट्रायंगल्स मिल गया तो ट्रायंगल्स पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल्स में एक बेस होना चाहिए और किसी भी साइड के ऊपर अगर एक वर्टिसेस से उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर हाइट ड्रॉ की गई है, तो यहाँ पे आप उसको बेस एंड हाइट के हिसाब से लेके उसकी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं. सो यही सारे ट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं. पहले लार्जर फिगर को छोटे छोटे फिगर्स में आपको डिवाइड करना है एंड जो छोटे फिगर्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं वो वाला ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल्स होना चाहिए, जिससे कि आप एरिया आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे. सो यहाँ पे देखिए आपके सबसे बड़ा जो फिगर है पेंटागन. सो पेंटागन की एरिया किस तरह से निकलेगा, यहाँ पर पेंटागन की एरिया हमें इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम. पहले जो छोटे ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट ट्राइंगल देख लीजिए उसका नाम ए बी सी, देन ए सी डी एंड ए डी. इन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया हमें ऐड करनी है, एरिया ऑफ ए बी सी, ए सी डी एंड ए डी. इन तीनों के तीनों ट्रायंगल्स की एरिया हमें कैलकुलेट करके अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो एरिया ऑफ पेंटागन मिल जाएगा. सो ये है कि उसका एक छोटा सा प्रोसीजर्स आप इसको बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजी कि हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं एरिया ऑफ पेंटागन वाला प्रॉब्लम्स. लाइकवाइज ये वाला देखिए, और डिफरेंट तरीके से स्प्लिट अप की गई है. ओके, स्प्लिट अप करने के कोई रिजिड रूल नहीं है कि आप इस तरह सिर्फ ट्राइंगल बनाएंगे, आपको जिस हिसाब से आसानी हो आप कर सकते हैं. नाउ वी हैव पेंटागन ए बी सी डी, सेम काइंड ऑफ पेंटागन ही लिए हैं.
लेकिन वहाँ पे वर्टिसेस ए से सारे डायगोनल्स को कनेक्ट किए थे पहले फिगर पे इस तरह से, मतलब ए सी एंड ए डी को कनेक्ट किए थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ए डी को कनेक्ट किए हैं। एंड सपोज आपके पास बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई होगी ए डी के ऊपर, जितना भी आएगा उसका लेंथ अगर मालूम है, एंड सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ठीक ए डी के ऊपर उसका भी लेंथ अगर आपको मालूम है, एंड ई से भी परपेंडिकुलर की लेंथ अगर मालूम है, सो यहाँ पर आप किस तरह से उसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब परपेंडिकुलर की वजह से ये जो पेंटागन है कई हिस्सों में डिवाइड हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल, ये वाला पार्ट्स इसको साफ कर लेते हैं। देखिए ए एफ एंड बी, या फिर आप बोल सकते हैं ए बी एफ, आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एच कौन सा है, एच आप कन्फ्यूज मत होना कि इसको बी एंड इसको पी आप लेते हैं, ये वाला उसका परपेंडिकुलर है, सो हाफ इंटू बी इंटू यहाँ पे जो एच लिखते हैं उसको इस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ में लिखना है। सो राइट एंगल ट्रायंगल पे हाफ इंटू पी इंटू बी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं एरिया का कैलकुलेशन। सो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, सो इसकी एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट हो गया ये वाला ए सॉरी यहाँ पे है बी एफ जी सी। ओके सो ये फिगर किस तरह का फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राइट एंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट हुआ है, सो ऑब्वियसली ये दोनों साइड पैरेलल्स होंगे एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल्स पे, तो उसको ट्रापीजियम बोलते हैं। सो ये वाला ट्रापीजियम हो गया। सो पहले आपका ट्राइंगल है, नेक्स्ट है आपका ट्रापीजियम, नेक्स्ट फिर से सी जी डी, ये राइट एंगल क्रिएट हुआ है तो राइट एंगल ट्राइंगल, देन आपका ये वाला जो है ए ई डी ये ट्राइंगल, इसी पे आपका हाइट भी है, सो आप बेस के हिसाब से ए डी को लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल यहाँ पे आपके चार एरिया को आपको ऐड करने होंगे, ठीक है। पहला हो गया ए एफ बी, नेक्स्ट दूसरी कलर यूज कर लेते हैं बी एफ जी सी ट्रापीजियम का, नेक्स्ट ये वाला पार्ट, एंड लास्ट पे और एक फिगर है ये वाला। टोटल चार फिगर्स आपको यहाँ पे अलग अलग करके कैलकुलेट करने हैं, तभी जाके आप एरिया उसका कैलकुलेट कर पाएंगे पेंटागन का। सो आपको देखना है पहले बड़े लार्जर फिगर को पहले ऑब्जर्व करना है कि आप उसको कितने हिस्सों पे स्प्लिट अप कर रहे हैं, एंड जो हिस्सों में भी आप स्प्लिट अप कर रहे हैं उसकी एरिया किस तरह से निकलेगा। सो ट्राई कीजिए उसको ट्राइंगल पे कन्वर्ट करने के लिए, उस छोटे छोटे पार्ट्स को ट्राइंगल्स पे, या फिर ट्राइंगल्स कुछ ट्राइंगल्स भी बन रहे होंगे एंड कुछ क्वाड्रिलेटरल्स भी आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल आ चुका है ट्रापीजियम, एंड ट्रापीजियम की एरिया फॉर्मूला आपको पता है कि हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दैट इज हाइट, ओके हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। सो इस फॉर्मूला से ट्रापीजियम का भी निकल के आता है। एंड अब फिगर्स को पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा एंड स्प्लिट अप करने के प्रोसेस में आपको देखना होगा कि भाई आप किन किन फिगर्स आप बनाए हैं, एंड सारे फिगर्स के एरिया डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करके लास्ट पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ये तो हो गया अपना थियोरिटिकल पार्ट्स, एक एग्जाम्पल देखते हैं एंड एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर बुक एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन एम एन ओ पी क्यू आर। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव हेक्सागन एम एन ओ पी क्यू आर, सो वी हैव हेक्सागन, ये हो गया आपका साइड सारे उसकी, ओके एंड ये एक हेक्सागन हो गया। सो इसी हेक्सागन की एरिया हमें कैलकुलेट करनी है। सो फिगर ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन पे, सो फिगर की हेल्प हम जरूर रहेंगे, एंड उसके बाद बाकी कुछ साइड्स के यहाँ पे लेंथ दे रखी है एम पी दैट इज 9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस डायगोनल्स इज 9 सेंटीमीटर, एंड एम डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एम से डी की वैल्यू आपके 7 सेंटीमीटर की है, एम सी 6 सेंटीमीटर, एम से लेके सी तक 6 सेंटीमीटर, एम बी 4 सेंटीमीटर एंड एम ए 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे बाकी जो परपेंडिकुलर्स हैं उनकी लेंथ फिगर पे ऑलरेडी दे रखा है, जैसे कि एन ए ओ सी क्यू डी एंड आर बी, इनकी वैल्यूज भी फिगर्स पे दे रखी है। सो हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, यहाँ पे हमें एक हेक्सागन दी गई है एंड हेक्सागन की एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपको ये कन्फर्म होना है कि हेक्सागन एंड पेंटागन इस तरह के फिगर्स जो हायर ऑर्डर पॉलीगन अभी ले रहे हैं उनके लिए स्पेशल फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे।
जो भी फॉर्मूला हम पहले से पढ़े हैं उसको यूज करना है। सो पहले फिगर्स को स्प्लिट अप करने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, एंड उसी फ्रेगमेंट से उसी छोटे छोटे टुकड़े से हम उनके एरिया कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एंड लास्ट में उसको ऐड करना है। सो यहाँ पे हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कौन कौन से छोटे छोटे फिगर्स के हम एरिया सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल्स है MAN, ओके ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। सो MAN ट्राइंगल की एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए MA की लेंथ एंड NA की लेंथ। तो चलिए देख लेते हैं कि MA एंड NA की लेंथ हमें मिल सकता है कि नहीं। यहाँ पे MA की वैल्यू ऑलरेडी गिवेन है एंड NA की वैल्यू फिगर पे गिवेन है, दैट मीन्स हम यहाँ की एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक का काम हो जाएगा कि हम MAN ट्राइंगल की एरिया आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है ये वाला पार्ट्स, ये कौन से फिगर होगा? अभी तो देखने से लग रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक से ऑब्जर्व करेंगे इसको तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। ऑब्वियसली NA विल बी पैरेलल टू OC एंड एक क्वाड्रिलेटरल्स पे अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ट्रैपेजियम्स। सो ये आपका ट्रैपेजियम हो जाएगा NACO, या फिर आप इस तरह से पढ़ सकते हैं NOCA, ये आपका एक ट्रैपेजियम हो जाएगा। एंड ट्रैपेजियम की एरिया फॉर्मूला के हिसाब से हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो ए एंड बी यहाँ पे आपको मालूम है, देखिए NA एंड OC ये पैरेलल साइड्स हैं, इनकी लेंथ्स आपको मालूम है। सो H की वैल्यू कौन सी होगी? इनके बीच की डिस्टेंस AC। सो यहाँ पे AC आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे AC फिगर पे गिवन नहीं है एंड AC यहाँ पे क्वेश्चन पे भी गिवन नहीं है। सो AC की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे MC की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि MC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एंड वहाँ से अगर MA अगर आप सबट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर का है, सो आपको मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि AC की वैल्यू होगा। AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो AC के हिसाब से आपको देखना है कि कौन कौन से फिगर आप ले रहे हैं एंड उस फिगर पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो लेंथ चाहिए वो लेंथ्स आपके पास गिवन है कि नहीं। गिवन नहीं होंगे तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो एरिया भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम दो फिगर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि दोनों फिगर्स की एरिया हमें मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से OCP की एरिया कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट्स की एरिया, फिर से ये वाला ट्रैपेजियम की एरिया एंड ये वाला ट्रायंगल की एरिया। सो अलग अलग 6 फिगर्स की एरिया हमें कैलकुलेट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्हें 6 फिगर्स की अलग अलग एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम उनको सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने से टोटल एरिया हमें मिल जाएगा, जो कि पॉलीगन या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो गिवन हेक्सागन है उसकी एरिया मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे वो कैलकुलेशंस पार्ट है जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे ट्रायंगल लिए हैं वहाँ पे हमेशा यूज करना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस के हिसाब से कोई साइड लेना जिसके ऊपर की परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। सो पहला जो फिगर है देखिए यहाँ पे MAN के हिसाब से लिए हैं, थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। MAN के हिसाब से MA की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर गिवन है। सो फॉर्मूला के हिसाब से हाफ इंटू ये वाला को बेस ले लेते हैं MA को, एंड उसी के ऊपर पेंटिकुलर ड्रॉ की गई है NA। सो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं अभी हाफ MA की वैल्यू 2 सेंटीमीटर एंड NA की वैल्यू यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, 2 कैंसिल आउट। सो एरिया हो जाएगी उसकी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। सो ये हो गया आपका MAN या फिर AMN सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जब आप सॉल्व करेंगे ट्रैपेजियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ट्रैपेजियम के लिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड और जिसको बोलते हैं हाइट। सो यहाँ पे AB पैरेलल साइड जो होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर के हिसाब से हैं, ये वाला NA एंड CO 2.5 + 3, इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, किसकी नहीं थी? AC की वैल्यू नहीं थी। एंड AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? MC से माइनस करना है MA, एंड MC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, MA की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। तो इसको जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो AC की वैल्यू मिल जाएगी एंड AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा। सो यहाँ पे बस 4 सेंटीमीटर को यूज करना है। डिटेल्स पे सॉल्व की गई है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सो ये वाला पार्ट्स आप देख लीजिए ठीक से एंड इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए ताकि आप बाद में सॉल्व कर पाएंगे। एंड जब भी सभी फिगर्स की एरिया जब आपको मिल जाएगी, फाइनली आप 6 के 6 फिगर्स की एरिया को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपका 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि आपका इसे
हेक्सागन का एरिया होगा। तो सारे के सारे छह फिगर्स के एरिया पहले आप कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली, 1, 2, 3, ये वाला पार्ट 4, ये वाला पार्ट 5, ये वाला 6। ओके, ये छह फिगर्स होंगे। सो इन्हें छह फिगर्स का ये हो गए पहले 1, 2, 3, नेक्स्ट आपका 4, 5, 6, ये छह फिगर्स हो गए एंड उसकी सम लेना है, लास्ट पे आंसर आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं और एक प्रॉब्लम। ये तो हो गया आपके पॉलीगन्स के डिस्कशन की भाई पेंटागन हेक्सागन जैसे लार्जर फिगर होंगे तो किस तरह से निकलना है। एंड बेसिक ट्रिक्स वही है कि पहले फिगर्स को आप स्प्लिट अप कीजिए छोटे छोटे ट्रायंगल्स या फिर किसी क्वाड्रिलेटरल्स पे वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड सबके एरिया कैलकुलेट करेंगे। सबके एरिया कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर देंगे तो फाइनल फिगर का एरिया भी हमें मिल जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, देन area of rhombus and last is area of hexagon. Let's see the first examples. The first example is related to area of a trapezium. Let's read the questions. The area of a trapezium shaped field is 480 meter square. The distance between two parallel sides is 15 meter and one of the parallel sides is 20 meter. Then find the other parallel side. Here we have एक ट्रैपेजियम, यहाँ पे एक ट्रैपेजियम गिवन है। ट्रैपेजियम की एरिया ऑलरेडी पहले से दी गई है, ट्रैपेजियम की एरिया ऑलरेडी पहले से दी गई है। कितनी है उसकी एरिया? 480 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन पे ऑलरेडी एक फिगर हम ड्रॉ किए थे सॉल्यूशन पे, 480 मीटर स्क्वायर, ये आपकी एरिया पहले से गिवन है। उसके साथ साथ पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स में से आपको एक की वैल्यू गिवन है कि किसी भी एक की वैल्यू आप ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक की वैल्यू आप मानते हैं कि भाई 20 मीटर आपको गिवन है। ओके, एंड नेक्स्ट पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस जो है जिसको कि आप हाइट लेते हैं, सो हाइट की वैल्यू भी आपको गिवन है। सो गिवन चीज़ों में से एरिया आपको गिवन है 480 मीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर एंड एच की वैल्यू आपको गिवन है 15 मीटर। एंड सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो और एक पैरेलल साइड्स होगा जिसको कि वैल्यू आप अगर यहाँ पे बी लेते हैं तो और एक पैरेलल साइड जो है बी उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूलाज के हिसाब के अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला होता है इसकी हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट दैट इक्वल टू एरिया। सो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है एंड ए की वैल्यू भी यहाँ पे एरिया की वैल्यू भी गिवन है। सो ये वाला ए साइड है एंड ये कैपिटल ए वाला एरिया है, ठीक है। सो पैरेलल साइड में से एक की वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है एंड एरिया की वैल्यू गिवन है। सो बी यहाँ पे अननोन वेरिएबल है। सो इक्वेशन के हिसाब से अगर इसको लिखते हैं एंड इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। वन ऑफ द पैरेलल साइड 20 मीटर लेते हैं जिसकी वैल्यू आप ए लिख रहे हैं एंड अदर पैरेलल साइड सपोज आप उसको बी लिखते हैं। सो यहाँ पे हाइट गिवन है जो कि 15 मीटर का है एंड एरिया भी गिवन है जो कि 480 मीटर स्क्वायर का है। सो फॉर्मूला आपको पता है कि भाई एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एस। सो उसको अगर आप इक्वेशन के हिसाब रिलेट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन पे दे रखी है कि जो ट्रैपेजियम है उसकी एरिया है 480 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे ए की वैल्यू मतलब जो साइड है पैरेलल साइड में से एक की वैल्यू 20 मीटर एंड हाइट की वैल्यू 15 मीटर। एंड जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मीटर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल आंसर पे आपको लिखना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन की प्रोसेस पे आप चाहे तो उस यूनिट को छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए 15 भी इस तरफ मल्टीप्लाइड हुआ है एंड यहाँ पे 1/2 है या फिर आप बोल सकते हैं सिर्फ 2 को डिवाइड हुआ है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे। इक्वेशन सॉल्व करने की क्लास में आप देखें किस तरह से इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम राइट साइड पे ट्रांसपोज कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड हुआ है तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। एंड अभी देखिए फोर लेफ्ट साइड में बचेगा 20 प्लस बी, राइट में 480 इंटू 2/15। सो यहाँ पे आपको 480 को 15 से डिवाइड कीजिए, डायरेक्टली हो जाएगा 15 1 जर एंड 53 जर आपके 45, 3 आके 0 होगा तो 15 2 जर 30 हो के यहाँ पे 32 आएगा। सो 32 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने से 64। सो नेक्स्ट स्टेप पे आपका 20 प्लस बी की वैल्यू 64, 20 यहाँ पे ऐड के है सो उसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 20 जो कि 44 मीटर। सो यहाँ पे जो बी है, बी आपका एक साइड की वैल्यू है या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पैरेलल साइड्स की लेंथ है, इसलिए यहाँ पे उसकी यूनिट मीटर पे आएगी क्योंकि सारे चीज मीटर एंड मीटर स्क्वायर पे थे तो साइड की वैल्यू मीटर पे आएगी। तो फाइनल आंसर बी इक्वल टू 44 मीटर आपका आंसर होगा।
सो ये वाला क्वेश्चंस अभी आप समझ लिए हैं तो आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड ये आंसर पार्ट भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द एरिया ऑफ ए रम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द अदर डायगोनल्स। देखिए यहाँ पे रम्बस के बारे में क्वेश्चंस गिवन है एंड रम्बस के बारे में आपको याद होगा कि रम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं अगर एक डायगोनल्स को डी वन लेते हैं दूसरा डायगोनल्स को डी टू लेते हैं तो उसकी एरिया होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ओके दैट मीन्स हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स डायगोनल्स की जो भी प्रोडक्ट आएगी उसकी अगर हाफ ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी एरिया रम्बस के लिए। सो यहाँ पे एरिया पहले से गिवन है द एरिया ऑफ ए रम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पहले से गिवन है एंड डायगोनल्स में से एक की वैल्यू गिवन है तो दूसरी की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए डायगोनल्स की वैल्यू यहाँ से रिलेट करेंगे हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू करने से एरिया आता है एंड एरिया पहले से गिवन है एक डायगोनल्स गिवन है तो जो अननोन है उसको इक्वेशन के हिसाब से रिलेट करके करेंगे। सो इजीली यहाँ से आपको आंसर मिल सकते हैं। सो जो भी अननोन्स होगा उसको आप फॉर्मूला से रिलेट करेंगे एंड उसको अननोन वेरिएबल्स के हिसाब से ट्रीट करके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। सो लेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स एक डायगोनल्स की वैल्यू 16 सेंटीमीटर गिवन से दूसरा डायगोनल्स को आप डी टू ले लीजिए एंड एरिया ऑफ द रम्बस जैसे कि आपको मालूम है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू करने से एरिया आ जाता है एंड एरिया की वैल्यू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सो यहाँ पे हाफ इंटू डी टू में से डी वन की वैल्यू आपको 16 सेंटीमीटर गिवन है तो डी वन की वैल्यू पुट कर दीजिए डी टू आपका अननोन होगा एंड डी टू के लिए सॉल्व कीजिए अभी हाफ एंड 16 का यहाँ पे करके हो जाएगा 8। सो 8 इंटू ये वाला डी टू एंड राइट साइड पे 240 एंड 8 क्योंकि डी टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो सिर्फ डी टू का वैल्यू आएगा यहाँ पे 8 राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था। सो 240 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 वन जा एंड 8 थ्री जा 24 एंड 0 एंड दस वाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। सो डी टू के वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। सो दो जो डायगोनल्स थे एक डायगोनल्स की वैल्यू 16 सेंटीमीटर तो दूसरा डायगोनल्स यहाँ पे मिल चुका है जो कि 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो अननोन था या फिर आप बोल सकते हैं जो भी हम यहाँ पे निकाल रहे थे फाइंड द अदर डायगोनल्स इस अदर डायगोनल्स की वैल्यू को हम डी टू जो कि अपने लिए अननोन है उसको हम फॉर्मूला से रिलेट करके सॉल्व किए तो मिल जाएगा। सो इसी तरह के आपके प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेंगे एंड नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉब्लम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन MNOPQR यहाँ पे आपको एक हेक्सागन दी गई है MNOPQR एंड हेक्सागन की जो डिफरेंट पर्सन से उसकी जो साइड्स की लेंथ है वो सब यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ से 11 सेंटीमीटर जिसको इंडिकेट की गई है वो हो जाएगा यहाँ से M से स्टार्ट करके अगर Q तक आते हैं N से स्टार्ट करके Q तक आते हैं सो आपका 11 सेंटीमीटर होगा एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जो 8 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है R से P तक 8 सेंटीमीटर है ठीक उसी तरह से M से O तक भी 8 सेंटीमीटर है एंड ये वाला OP 5 सेंटीमीटर सो ये वाला पार्ट्स भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसके साथ बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई NQ को ड्रॉ कर देंगे तो आपको दो ट्रैपेजियम्स मिलेंगे जो ट्रैपेजियम्स के बिल्कुल कंग्रुएंट हैं बिल्कुल सेम साइज के एंड सेम शेप के भी होंगे। सो अगर आप एक ट्रैपेजियम की एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका डबल कर देने से टोटल का एरिया मिल जाएगा हेक्सागन का। सो हेक्सागन की एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हेक्सागन वाला कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा बस यहाँ पे आपको एक पर्सन की एरिया आपको कैलकुलेट करनी होगी पहले इसी एक पर्सन की एरिया जितना भी आएगा उसको डबल कर देने से पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो पहले एक पर्सन की एरिया मालूम होना चाहिए उसको डबल करेंगे पूरा का पूरा एरिया मिलेगा क्योंकि ये दोनों पार्ट्स कंग्रुएंट है ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे कंग्रुएंट है फिगर को इस तरह से बनाया गया है कि दोनों पार्ट कंग्रुएंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं बिल्कुल हियर NQ डिवाइड्स द हेक्सागन इनटू टू कंग्रुएंट ट्रैपेजियम एंड एरिया ऑफ द हेक्सागन इसलिए क्या होना चाहिए जो भी ट्रैपेजियम है उसकी एरिया को डबल करेंगे। ओके एंड ट्रैपेजियम की एरिया फॉर्मूला तो आपको मालूम है ट्रैपेजियम की एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके सो यहाँ पे ए एंड बी इसकी वैल्यू कौन सी होगी पैरेलल साइड्स कौन से होंगे NQ एंड OP। सो NQ एंड OP दीज आर द पैरेलल साइड्स तो उनकी सम लेंगे एंड हाइट को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। सो हाइट यहाँ पे कौन सा होगा ये जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की गैप या फिर आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स
सो अगर ये टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर का है सो इतने वाला डिस्टेंस कितना होगा, इतना वाला डिस्टेंस हो जाएगा 8 का आधा जो कि 4 सेंटीमीटर। सो ये हाइट की वैल्यू ना 4 सेंटीमीटर होगी। सो यहाँ पे बस उसकी वैल्यू पुट करना है। 2 इसलिए देखें क्योंकि ये वाला 2 है, ट्रापेजियम के एरिया को डबल करना है। सो ये पहला 2 इसी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ट्रैपेजियम की फॉर्मूला पे हाफ इंटू होके होता है, तो ये वाला हाफ उसी का है। एंड बाकी ये सब वैल्यू यहाँ पे इस पुट कर लेंगे। एन क्यू की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं कि एन क्यू कौन सा है, एन क्यू ये वाला 11 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट अदर पैरेलल साइड जो था 5 सेंटीमीटर का, एंड हाइट तो अभी अभी निकाले थे 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 2 एंड हाफ इसको आप दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड बाकी 11 प्लस 5 आपका 16 से ठीक 16 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर पे आप यूनिट लिखना मत भूलना। एरिया जो भी निकाल रहे हैं वो वाला सभी स्क्वायर यूनिट पे आएंगे। कैलकुलेशन की प्रोसेस पे अगर यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पे उसकी सही यूनिट आपको पुट करनी है। सो यहाँ पे हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो ये हो गया आपका हेक्सागन के एरिया। अगर आप सेपरेटली पहले इसकी एरिया निकालेंगे तो ये वाला 32 आएगा। एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 64 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो जो भी हो एक ही लाइन पे कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखे हैं, पहले आप सीखे थे कि किसी भी तरह का पॉलीगन आपको गिवन है तो उसको स्प्लिट अप करके ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल्स में कन्वर्ट करके उसके एरिया आप निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जो कि आपके ट्रैपेजियम के रिलेटेड थे एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम था रोम्बस के रिलेटेड, एंड लास्टली हेक्सागन के एरिया रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। तो आज का ये वाला नोट्स बना लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना।